नमो नमः एवरीवन, गुड इवनिंग. विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद इन 2 मिनट्स. लेट एवरीवन जॉइन द लेक्चर. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. हाउ आर यू ऑल? आर्या, अरमान, यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग आफ्टर सेमेस्टर एंड दिवाली वेकेशन. Just will wait for 2 minutes more. Let everyone join. Please be ready with your writing material. Yes, let's begin with the topic, new topic today. Okay, we're going to start with the poem, new poem, that is Sukti Sudha. Yes, so we have seen various poems like Avyamala, Vidyarthamala. So सभी poems के जो titles होते हैं उससे हमें पता चलता है कि theme of the poem क्या है. अव्ययमाला विद्यार्थमाला में हमेशा थीम जो था वो ग्रामर से रिलेटेड था, बट अभी नाउ दिस टाइम सूक्ति सुधा इज ये जो poem है इसका थीम ग्रामर रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट लिटरेचर रिलेटेड है, साहित्य के साथ इसको मिलाना है हमें. तो पहला जो वर्ड है सूक्ति, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी. यस, इट वाज आल्सो देयर इन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड. तो आपने सुना रहेगा कि सत्यमेव जयते, ऐसा एक शो भी था, एज वेल एज कोर्ट्स में भी हम ये कोटेशन देखते हैं. देन आल्सो वन मोर कोटेशन लाइक सद रक्षणाय खल निगरणाय, पुलिस स्टेशन में या पुलिस की गाड़ी पर हमें ये जो कोटेशन है वो दिखता है. सो ये जो कोटेशंस है दीज आर टेकन फ्रॉम संस्कृत, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में, बट बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस में, जो भी लैंग्वेज है हर एक लैंग्वेज में कोटेशन सूफी गुड सेइंग्स आर देयर. सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यू थॉट्स फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल पोएट्री सूक्ति सुधा. एंड सुधा मीन्स अमृत, नेक्टर. So poet here is saying ki all the suktis given here in the shlokas are equal to consuming amrut or nectar. Okay, jaise amrut ko bahut hi pavitra mana gaya hai, waise hi ye all jo suktis hai wo sirf understand matlab learn karne se nahi, isko jab aap apne life mein apply karoge then it will create a good impression in front of others about you. Okay, तो देखते हैं क्या क्या सूक्तिज है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देखो, पिंक कलर में जितने भी सेंटेंसेस हाईलाइट किए हुए हैं ऑल दीज आर सूक्तिज गुड सेइंग्स, एंड श्लोक में उसका एक एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. तो आज हम पहले इसको रीड कैसे करते हैं, रिसाइट कैसे करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम धीरे धीरे एक एक श्लोक का अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर करेंगे. सो विल रीड द फर्स्ट श्लोक. सो बी रेडी, यू हैव टू रिपीट इट अगेन by unmuting yourself. You can just read it or you can try to recite it also. So I will first read it so that aapko words jo hai wo pata chal jaye kya words. So I'm pointing out here in the first shlok, na cho na cha rajaharyam na bhratru bhajyam na cha bharakari choraharyam rajaharyam bhratru bhajyam bharakari. अभी नेक्स्ट लाइन के वर्ड्स रीड करते हैं. व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम.
न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सिंपल अनुष्टुप छंद जो हम दो लाइंस के लिए यूज करते हैं वही टोन है। सो यस, हु वुड लाइक टू रीड फर्स्ट श्लोक? डू यू वांट मी टू रीड इट वंस अगेन? ओके, आई विल रीड इट वंस अगेन एंड देन प्लीज रेज योर हैंड्स। न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यस निलय, रिसाइट इट। न चोर हार्य न च राज हार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। वेरी नाइस, परफेक्ट। ओके यस हर्षित, रीड द फर्स्ट श्लोक। यस मैम। न चौर न चौरहारम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। वेरी गुड, देन विल मूव इट टू द सेकंड श्लोक। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये वर्ड को अच्छे से देखना, लघु चेतसाम। देन नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ लघु चेतसाम उदार चरितानाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ओके, सो विल रिसाइट इट नाउ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। यस अरमान, रीड द सेकंड श्लोक। हेलो, नमो नमः। नमो नमः अरमान, सेकंड वन प्लीज। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणां तु वासुधैव कुटुंबकम्। वेरी गुड, परफेक्ट। यस वन एल्स। यस सौजन्य। नमो नमः मिस। नमो नमः। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानं तु वासुदेव कुटुंबकम्। वेरी गुड, ओनली जस्ट रिपीट दैट वर्ड वसुधैव। वसुधैव, वेरी गुड। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। थर्ड श्लोक का यहाँ पे परोपकाराय ये वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सो लेट्स रिसाइट इट। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, फलन्ति वृक्षाः वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम् और परोपकारार्थ मिदं शरीरम्। आइदर संधि विग्रह करो या फिर एक साथ रीड करना, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ओके, सो हाउ टू रिसाइट इट? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। यस अरमान। हेलो मिस। हेलो, थर्ड श्लोक।
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् ओके वेरी गुड एनीवन एल्स फॉर द थर्ड श्लोक यश श्रुति हेलो मैम नमो नमः नमो नमः श्रुति थर्ड श्लोक प्लीज परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् Very good, very good. Okay, let's move ahead to the fourth shlok. Others, you will get chance for the next shlokas. This is little bit difficult shlok of four lines. So we'll first read it carefully. Jadyam Jyoharati Sinchati Vachi Satyam Jadyam Jyoharati सिंचति यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्ड है सिंचति पंच जैसे हम बोलते हैं वैसे ही सिंच ऐसे बोलना है सिंचति दैट इज अनुस्वार दैट ङ जो अनुनासिक है नेजल कॉन्सोनेंट मिक्स्ड विद च इज ऑफ अनुस्वार सो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम डबल न इज देयर जैसे अन्न वर्ड में हम डबल न बोलते हैं वैसे ही मनोन्नतिम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति अगेन वो ममा मिमी संधि है जैसे यहाँ पे था सो पापम अपाकरोति ऐसे वर्ड्स है हम एक साथ उसको बोलेंगे पापम अपाकरोति चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम की इज दीर्घ तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना है कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम प के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार है सो डोंट फॉरगेट टू प्रनाउंस इट सो विल नाउ रिसाइट इट जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम यस जश वुड यू लाइक टू रिसाइट दिस श्लोक नमो नमः मिस नमो नमः जाद्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोनति दिशति पापम अपाकरोति चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्य संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम पुंसाम वेरी गुड परफेक्ट वेरी गुड यू ट्राइड वेरी नाइस सम ऑफ यू आर सेइंग कि दिस टाइम द श्लोकास आर वेरी हार्ड टू रिसाइट देन अयान डोंट वरी As you will read it again, you will find it difficult. You will find it easy, in fact. Now you are finding it difficult. Okay, so कोई भी चीज़ हम बार-बार read करते हैं, तो पहचान की हो जाती है, and then it will be very easy. Okay, ये fourth श्लोक फिर से एक बार मैं read करके बताती हूँ. जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चित्तम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम ओके लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ श्लोका यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नार्यस्तु संधि है सो एक साथ रीड करना है नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु कैसे प्रोनाउंस करना है इसको यत्रै तास्तु डबल मात्रा है ना तो अई बोलना है यत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फलाः क्रियाः सर्वास तत्रा फलाः क्रियाः ओके नाउ वी विल ट्राई टू रिसाइट इट
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रियाः सर्वास्तत्र फलः क्रियाः। ये जो वर्ड है इसको अच्छे से मेमोराइज करो। तीन वर्ड्स ओके, देन यू विल फाइंड इट इजी। तीन पार्ट्स करो ये वर्ड के, सर्वास्तत्र फलः क्रियाः। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रियाः। यस परेश, फिफ्थ श्लोका स्टार्ट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। I'm done. Yes, okay. So, yeah, very good. Nice, Paresh. Am I audible to you all clearly? Some of you are saying the voice is cracking. Others, please reply. Okay. I will repeat. I said कि ये जो वर्ड है सर्वास्तत्रा फलाहा, उसको हम तीन पार्ट्स में मेमोराइज कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी। सर्वास्तत्रा फलाह क्रियाहा, दैट्स इट। और मैंने बस इसको रिसाइट करके दिखाया। ओके, सो हु विल रिसाइट दिस श्लोक वंस अगेन फॉर एवरीवन? यस, अयान। यस मिस। फिफ्थ श्लोका बेटा। यस मिस। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाः क्रियाः। वेरी गुड, नाइसली रिसाइटेड। ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू रिसाइट फिफ्थ श्लोक। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं फॉर सिक्स्थ श्लोका। चातक स्त्री चतुरान। स एंड त्र मिक्स है, त्री मतलब तीन, चाहे तो मैं इसको जूम कर देती हूँ। चातक स्त्री चतुरान, तो अभी यहाँ पे स है एंड त्र मिक्स है, तो इफ यू आर सेइंग चातकस देन त्री चतुरान, और इफ यू आर सेइंग चातक देन इट इज स्त्री चतुरान। स और त्र को मिक्स करना है कि अलग अलग करके प्रोनाउंस करना है, ये आपके ऊपर है। ओके, सो चातक चातकस स्त्री चतुरान पयक कणान याचते जलधरम पिपासया। चातकस्त्री चतुरान पयक कणान, ये जो य के बाद विसर्ग है उसको मैं पयक कणान, थोड़ा सा ह हाफ प्रोनाउंस कर रही हूँ, पयक कणान याचते जलधरम पिपासया। सोपी, इसको हमें पता है ओएस संधि है, सो सोपी, सो को थोड़ा स्ट्रेच करो, सोपी पूरयति विश्वम भसा हंत हंत महताम उदारता। सोपी पूरयति विश्वम भसा हंत हंत महता मुदारता राइट करते हैं इसको। चातक स्त्री चतुरान पयक कणान याचते जलधरम पिपासया। सोपी पूरयति विश्वम भसा हंत हंत महता मुदारता। चातकस्त्री चतुरान पयक कणान याचते जलधरम पिपासया। सोपी पूरयति विश्वं भसा हंत हंत महता मुदाता। सो हू वांट्स टू रिसाइट दिस श्लोक? यस हर्षित। यस मैम। या सिक्स। चातकस्त्री चतुरान चातकस्त्री चतुरान पयक कणान याचते जलधरम पिपासया।
सोपि पूयति पूर्यति पूर्यति विभव विश् पूर्यति विश्व विश्वं वसा हंत हंत महता मुदारता नाइस नेक्स्ट जश यस मिस यस सिक्स्थ वन जातक स्त्री चतुरान पयः कणान याचते जलधरम पिपासाय सोपि पुरयति विश्वंबसा हंत 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 महता मुदारता वेरी नाइस थैंक यू ओके नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टू श्लोकास अब ये जो श्लोक है अगेन एज पर दैट रिड्यूस पोर्शन ऑफ 25% ये श्लोक ओमिट किए गए बट कुछ स्कूल्स ओमिटेड पोर्शन भी एग्जाम में रखते हैं तो फॉर सेफर रीजन वी विल सो ते शतम ही वयम पंच ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु ये कैसे रीड करना है इसको परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम नाउ विल रिसाइट इट ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम यस नाउ हु वुड लाइक टू रिसाइट सेवेंथ श्लोक ओके एनी ऑफ यू तन्वी गुड इवनिंग मिस नमो नमः गुड इवनिंग रिसाइट द सेवेंथ श्लोक यस मिस ते शतम ही वयम पंच ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम वेरी नाइस नेक्स्ट एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई सेवेंथ श्लोक यस सौजन्य यस मैम ते शतम ही वयम पंच स्वकीये विग्रहे सति परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम सो स्वीट एंड करेक्ट प्रोनंसिएशन थैंक यू सौजन्य ओके देन लेट्स मूव टू द लास्ट श्लोक ऑफ सुक्ति सुधा विल फर्स्ट रीड इट पठकः पाठकश्चैव श एंड च मिक्स है पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकः च एंड अन्य मिक्स है तो चान्ये पाठकश्चैव डिफिकल्ट वर्ड पाठकश्चैव श एंड च को मिक्स एंड चान्ये देन सेकंड लाइन सर्वे व्यसनिनो व्यसनिनो न्येया न्येया ज्ञानेश्वर ज्ञानम वाला न्यो न्येया यह क्रियावान स पंडितः क्रियावान स पंडितः नो इज इनकम्प्लीट सो पंडितः हाउ टू रिसाइट इट पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः सर्वे व्यसनिनो न्येया यह क्रियावान स पंडितः After पठक and य जो विसर्ग है उसको मैं हाफ प्रनाउंस कर रही हूँ इफ यू आर ऑब्जर्विंग बिकॉज प एंड क एंड प वर्ग जब भी आता है तब वी हैव टू प्रनाउंस विसर्ग हाफ सो पठक पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः सर्वे व्यसनिनो न्येया यह क्रियावान् स पंडितः यस परेश रिसाइट द लास्ट श्लोक Can I start? Yes. पटकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः
सर्वे व्यसनीनो नेया यह क्रियावांस पंडितः। Very nice, you tried well. Thank you, Paresh. Okay, next, Arman. Yes, miss. Pataka pataka chaiva patakas chaiva ye chanye shastra vachakah vachakah sarve vyasanino niya yah kriyavans panditah. Very good. Perfect. ओके थैंक यू एवरीवन। आई होप अभी आपको ये क्लियर है कि कैसे रीड करना है एंड कैसे रिसाइट भी करना है। सो दिस पोयम इतना क्यों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज न्यू वर्ड्स आर देयर, डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर, नाउ यू आर इन सेमेस्टर टू ऑलरेडी, एंड कंठस्थीकरणार्थम बिकॉज दिस पोयम इज देयर फॉर कम्प्लीट द वर्ड्स एंड हेंस वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम फॉर रीडिंग एंड रिसाइटिंग द पोयम। ऑल्सो इट कैन बी देयर फॉर योर ओरल एग्जाम इफ द ओरल एग्जाम विल हैपन। ओके apart from this now let's move on to the understanding part. So sabse pehla shlok jo hai usme hum pehle hamesha sukti sudha mein hum kya karenge sukti ke bare mein pehle discuss karenge. So vidyadhanam sarvadhana pradhanam ye jo sukti hai isme sabse known word hai, that is vidya. Quickly tell me what is the meaning of vidya. Bahut baar dekha hai humne ye word marathi hindi sab mein almost hum. Very good, knowledge. Vidya is knowledge, ज्ञानम। सो अभी यहाँ पे ये जो पिंक वर्ड में लिखा हुआ विद्या है, यही से हमें पता चलता है कि दिस वर्स और दिस श्लोक इज अबाउट नॉलेज। कुछ ना कुछ नॉलेज के बारे में डिस्क्रिप्शन ये पर्टिकुलर श्लोक में दिया हुआ है। अभी देखते हैं कि नॉलेज को कैसे सुप्रीम दिखाया गया है, पोर्ट्रेट किया है कि नॉलेज इज सुप्रीम। पोर्ट्रेट मतलब ऑफकोर्स नॉलेज इज सुप्रीम पार्ट, बट उसका डिस्क्रिप्शन देखो कितने अच्छी तरीके से दिया है। यहाँ पे जो वर्ड है विद्या धनम, उसमें से धनम मतलब यहाँ पे सिर्फ मनी नहीं तो वेल्थ संपत्ति, एंड सर्व धनम मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ, सभी प्रकार की संपत्ति। प्रधानम मीन्स फोरमोस्ट, सो नॉलेज इज फोरमोस्ट अमंग ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ। ओके तो एक न्यू वर्ड यहाँ पे है, दैट इज प्रधानम फोरमोस्ट। नॉलेज एक संपत्ति है, एक वेल्थ है, एंड दैट वेल्थ इज सुप्रीम फोरमोस्ट अमंग ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ। बाकी वेल्थ कौन कौन सी है बताओ, वेल्थ में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? मनी, वेरी गुड, एंड दैट्स इट, ओनली मनी, हेल्थ, लर्निंग, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑर्नामेंट्स, प्रॉपर्टी, हाउस, परफेक्ट परफेक्ट, यस। सो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस टर्म वेल्थ, बट वो सभी प्रकार के वेल्थ में द बेस्ट एंड फोरमोस्ट वेल्थ इज द असेट यू हैव, दैट इज नॉलेज। ओके सो ऐसे नहीं कि नॉलेज सिर्फ टेक्सुअल नॉलेज या टेक्स्ट बुक का ही नॉलेज होना चाहिए, तो एनी स्किल्स और टैलेंट यू हैव दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेल्थ। अभी यहाँ पे पोएट ने ये वेल्थ को कैसे एक्सप्लेन किया है देखते हैं। तो सबसे पहले पोएट बता रहा है कि ये वेल्थ जो है नॉलेज की वेल्थ, विद्या धनम जो है, न चोर हार्यम, चोर मीन्स थीफ एंड हार्यम मीन्स स्टोलन, सो इट कैन नॉट बी स्टोलन बाय अ थीफ। नॉलेज दिस वेल्थ इज कैनॉट बी स्टोलन बाय अ थीफ। बाकी सब वेल्थ के बारे में जिसका अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे आपने ही बताया मनी है, प्रॉपर्टी है, हाउस, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ये जो सभी संपत्ति है या फिर ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ कैन बी स्टोलन, चोरी हो सकती है। ओके इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हम रोज न्यूज़पेपर में देखते ही है, बट विद्या ये ऐसी वेल्थ है विच कैनॉट बी स्टोलन बाय अ थीफ ऑल्सो। देन नेक्स्ट नचर राज हार्यम, फिर से वो हार्य वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो वो स्टोलन का ही मीनिंग है, बट यहाँ पे हम टेकिंग लिखेंगे। ओके सो इवन किंग कैनॉट टेक योर विद्या। किंग दो सुप्रीम है, सबके ऊपर रूलिंग करता है, बट फिर भी वो आपका विद्या धन, आपकी वेल्थ नहीं ले सकता। देन न भ्रातृ भाज्यम, भ्रातृ मीन्स ब्रदर्स एंड भाज्य मीन्स डिविजन,
इट कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स ऑल्सो. बाकी काइंड्स ऑफ वेल्थ जो है जैसे कि प्रॉपर्टी ऑर्नामेंट ब्रदर्स में डिवाइड होती है. इनफैक्ट उसके लिए बहुत सारे झगड़े भी होते हैं. वी हैव सीन इट इन डेली सोप्स सीरियल सीरीज मूवीज एक्सेट्रा. बट विद्या इज वेल्थ विच कैनॉट बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स ऑल्सो. ट्रू ब्लड रिलेशंस में भी हम चाहे तो भी ये डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन ट्रेन आर यंगर ब्रदर और सिस्टर. जो हमारे पास नॉलेज है हम शेयर कर सकते हैं बट वी कैनॉट गिफ्ट हिम. और हमारे माइंड में जितना भी पार्ट है उसमें से आधा निकाल के उसके साथ शेयर या दे नहीं सकते. हम डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन ट्रेन देम. ओके एंड द लास्ट विशेषण फॉर विद्या इज भारकारी. द वेल्थ ऑफ नॉलेज इज नेवर अ बर्डन. भार मतलब बर्डन. इट इज नेवर बर्डन टू यू. जस्ट इमेजिन यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन. यू हैव कम्प्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन योर PhD योर other activities like if you are playing any sport, volleyball, swimming, cricket, etc. or girls if you are dancing, singing, etc. jo bhi aapke paas skills hai itna sab kuch aapne agar life mein acquired kar liya, so do you find it a very heavy burden on you? No, in fact you will feel proud ki with studies I am also there in other activities. It will be a proud feeling for you all. It is never a burden to you if you are acquiring more and more knowledge. तो ये एक ही ऐसी wealth है जो कभी burden नहीं होती है. अगर हम यही other wealth के बारे में सोचेंगे, like अगर if for a night my friend is requesting me to keep his, you can say 10 lakhs rupees in my cupboard for just a night. He or she is saying ki just keep it with you because I am going out for some reason. So keep my 10 lakh rupees with you for a night. Then it will be burden on me. मेरे ऊपर बहुत बड़ी responsibility है. It is a money of others. And again, it is a wealth. It is a burden. It is a responsibility. But for wealth of knowledge, it is not at all a responsibility. Or it is not at all a burden. ये हमारा है. This wealth of knowledge is of mine itself. Wo mere paas hai and because of it I'm very happy, feeling proud about myself. Okay, so these are the four adjectives. Na chorahariyam, na rajahariyam, na bhratrubhajyam and na cha bharakhari is vidyadhanam. And finally poet is concluding in second line that vyaye krute. Vyaya means kharch karna, spend karna, share karna. Kya share karna hai hame? We have to share or spend our knowledge. एंड कृते मतलब करने के बाद भी आफ्टर स्पेंडिंग योर नॉलेज और शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर्स वर्धत एव. ओके यहाँ पे संधि है वर्धते अधिकम एव. वर्धते अधिकम एव बस एक मात्रा देना है त के ऊपर. तो वर्धते मतलब इंक्रीजेस. नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग. नित्यम मतलब ऑलवेज. एंड हेंस दिस नॉलेज इज foremost, supreme among all kinds of wealth. ऐसी कोई भी wealth नहीं बनी है जो खर्च करने के बाद बढ़ती है. In fact, कम हो जाती है. Today, if I have 2,000 rupees in my pocket and if I spend some money in maybe shopping, थोड़ा सा उसमें खर्च कर लिया मैंने 1,200 or 300, then वो जो pocket में 2,000 था उसमें से money खर्च हुआ है तो कम होने वाला है amount. बट विद्या के बारे में ऐसे नहीं है. इफ वी आर शेयरिंग अ नॉलेज इट इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज़ सामने वाला जो पर्सन है वो हमारे साथ उसके खुद के थॉट्स भी शेयर कर रहा है. सो बाय शेयरिंग वी गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स. ओके मे बी आई एम शेयरिंग संस्कृत नॉलेज विथ यू ऑल. अभी तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स में है बट इफ वी विल मीट इन फिजिकल लेक्चर्स देन कॉन्वर्सेशन होता है. आप आपके थॉट्स आपके एक्सपीरियंसेस अबाउट द सेम टॉपिक एक्सप्लेन करते हो. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो न्यू थिंग्स एक्सपीरियंसेस बाय अदर्स. उसमें मुझे भी कुछ और नया सीखने को मिलता है फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ओके सो दिस इज हाउ द नॉलेज इज इंक्रीजेस ऑलवेज बाय शेयरिंग. सो फाइनली द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज
It cannot be stolen by a thief. It cannot be taken by a king. It cannot be divided among brothers. And it is not a burden at all. When we spend or share it, it always increases. And hence, that wealth of knowledge is foremost among all kinds of wealth. Okay, it is clear. Is there any doubt regarding the first shloka? Any word you want me to repeat? No? Okay, fantastic. Then give me some answers if you have understood the shloka. Kaihi dhanam na riyate. Wo haryam ka hi yahan pe kriyapad banaya riyate. Chori karna, lekar jana. Kaihi dhanam na riyate. कौन अपना विद्याधन नहीं लेकर जा सकता है? You can drop your answer in chat box. Thief नहीं लेकर जा सकता है. Okay, संस्कृति. और सिर्फ thief and king. Very good. तो thief and king के लिए कौन कौन से वर्ड है वहां पे? राजा एंड चोर. तो अभी इसके यही वर्ड्स को हमें तृतीय विभक्ति में मॉडिफाई करना है. जैसे कहीं दिस क्वेश्चन वर्ड इज इन तृतीया विभक्ति, देन लेट्स मॉडिफाई बोथ द वर्ड्स इन तृतीया विभक्ति. सो जो वर्ड है चौर, उसको हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे चौरेण. ये वर्ड चौर वर्ड हमने थीफ के लिए सुष्टु गृहित में भी देखा था. डू यू रिमेम्बर लेसन नंबर वन? चौरेण इज तृतीया विभक्ति. एंड राज्ञा इज तृतीया विभक्ति ऑफ वर्ड राजन. इरेग्युलर वर्ड है राजन, उसकी तृतीय विभक्ति है राज्ञा. सो हमारा आंसर हो जाएगा चौरेण राज्ञा च धनम न रियते. चौरेण राज्ञा च धनम न रियते. अपना विद्याधन चोर या राजा नहीं लेकर जा सकता. ओके, चौरेण एंड राज्ञा, ये दो वर्ड्स. प्लीज हाईलाइट दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. थोड़ा मॉडिफाई करके हमें आंसर लिखना है. एज इट इज आप कॉपी नहीं कर सकते हो फ्रॉम श्लोक. अभी आपको फील हो रहा होगा कि वी आर इन सेमेस्टर टू. सेमेस्टर वन में बहुत सारे आंसर्स ऊपर ही मिलते थे, बस जस्ट कॉपी पेस्टेड. बट नाउ दिस टाइम मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड देन राइट इट डाउन इन एप्रोप्रिएट विभक्ति. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन. केशु धनम न विभज्यते. केशु धनम न विभज्यते, मीनिंग को आपको पता है विभज्यते मीन्स डिवाइड. केशु अमंग हूम. यस, यू आर आंसरिंग करेक्ट. आंसर करेक्ट दे रहे हो सब लोग. भ्रातृ, बट उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है ना. अभी अभी मैंने बोला अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. यस आर्या अरमान, यू आर ट्राइंग वेल, बट थोड़ा और ट्राई करो. केशु है तो वहां से पहले ब्रदर्स के लिए वर्ड क्या है जो आपने एकदम करेक्ट उठाया है वर्ड? दैट इज भ्रातृ. बट आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू ऐड श. भ्रातृ शु, दैट श इंडिकेट्स अमंग ब्रदर्स. सिर्फ भ्रातृ लिखोगे ना तो ब्रदर, एंड भ्रातृ शु अमंग ब्रदर्स. सो भ्रातृ शु, यस नाउ यू आर आंसरिंग करेक्ट. यस आर्या, वेरी गुड. भ्रातृ शु धनम न विभज्यते. हर्षित, वेरी गुड. यस यस, या वेरी गुड. सो हियर द स्पेलिंग मिस्टेक वॉज देयर ऑन स्क्रीन. भ्रातृषु धनम न विभज्यते. नाउ इट इज अ करेक्ट स्पेलिंग, भ्रातृषु. वेरी गुड. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन श्लोका. And last question is very simple question. Sarvat dhana pradhanam kim? No modification. Just take that word full. Vidyadhanam, pura word uthao. So sarvat dhana pradhanam vidyadhanam. Sarvat dhana pradhanam vidyadhanam. Or vidyadhanam sarvat dhana pradhanam. Both ways you can write down. Next question. Madhyama bhashya uttaram likhata. Matlab English question hai. Write it in three paragraphs. First para is about introduction. तो उसमें आपको mention करना है name of the poem. सुखी सुधा के बारे में कुछ theme line आपको लिखनी है. Second paragraph में विद्याधनम व्यये कृते वर्धते कथम वर्धते, मतलब
स्पेंड करने के बाद आफ्टर शेयरिंग अ नॉलेज हाउ इट इंक्रीजेस इसका एग्जांपल लिखना है एंड ऑफ कोर्स मीनिंग ऑफ द श्लोक का यू कैन यूज एंड फाइनली कंक्लूजन में आप कोई भी विद्या के बारे में अच्छा कोटेशन यूज कर सकते हो नॉट नेसेसरी कि कोटेशन शुड बी इन संस्कृत यू कैन यूज अ कोटेशन फ्रॉम मराठी हिंदी इंग्लिश फ्रॉम एनीवेयर बट कंक्लूडरी लाइन में आपको कोटेशन यूज करना है ओके एंड देन नेक्स्ट वी हैव संधि विग्रह तो जैसे मैंने बोला था वर्धत एव ये संधि है दोनों वर्ड्स डिफरेंट है अलग अलग सेपरेट वर्ड्स है बट स्टिल देयर इज अ संधि तो संधि क्या है बस ये वर्ड जो वर्धत है उसको अच्छे से हमें क्रियापद में कन्वर्ट करना है वर्धते अधिकम एव तो ऐसा कब होता है तो स्टूडेंट्स व्हेन टू वर्ड्स आर लाइक दिस एंड फर्स्ट वर्ड इज एंडिंग इन ए फर्स्ट वर्ड के एंड में ए आ रहा है मात्रा आ रहा है एंड नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो स्टार्ट विथ ए सो ए ए ऐसा जब कंस्ट्रक्शन आ जाता है ए इज फॉलोड बाय ए देन फर्स्ट ए दैट फर्स्ट मात्रा इज डिसअपियर्ड The first matra will be dropped. And hence in sandhi, the first matra is dropped. See, I'm repeating it again. Vardhata eva is a sandhi, combined word. Vardhate plus eva is a dissolution. Whenever two words are like this, ki first word ends in a, next word starts with a, then that first a at the end of this word will be dropped, will be disappeared and it will look like a sandhi. Okay, clear? Write it down, vardhate adhikam eva. Okay, now your homework will be समानार्थ एंड विरुद्धार्थ यू हैव टू राइट डाउन समानार्थ एंड विरुद्धार्थ इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क ओनली सिंपल छोटा सा 5 मिनट्स का होमवर्क फाइंड आउट द वर्ड्स दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी नोन टू यू ओके 5 मिनट्स होमवर्क ओनली ओके विल मूव ऑन टू द सेकंड श्लोक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो पहला वर्ड जो है दैट इज अयम अयम मीन्स दिस निजह मीन्स माइंड अच्छे से देख लो निजह मीन्स स्वीयम खुद का माइंड निजह के लिए और एक समान अर्थ है स्वीयम माइंड मेरा दिस इज माइंड परोवेति यहाँ पे संधि आया हुआ है ओ चेंजेस टू अह सो परह एंड वा प्लस इति परह वा प्लस इति क्या संधि बोला मैंने परह परो का हो जाएगा परह आई विल राइट इट Just a minute. Parah plus va plus iti. Veti ka kya ho gaya? Va plus iti. A kaise banta hai? A aur a plus e. Yeah, it is there in exercise. Parah plus va plus iti. Answers are given in exercise. Okay. So paraha means others, va means or, iti means again this. Just complete karne ke liye word wahan pe aaya hua hai. So this is mine and it belongs to others. This is mine and it belongs to other. Ye mera hai aur ye jo dusri cheez hai wo uski hai. Aise bhedbhav hum hamesha karte hai ya ye words hum hamesha use karte hai. Then poet jo hai, poet bol raha hai ganana means consideration. This is the consideration of, matlab ye jo swabhav hai mera aur tumhara karne ka, bhedbhav karne ka, ये स्वभाव किसका होता है लघु चेतसम का होता है अ टाइप ऑफ पीपल जिनको लघु चेतसम बोला गया था नाउ व्हाट इज दिस लघु चेतसम लघु मींस छोटा स्मॉल चेतस मींस हार्ट तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि स्मॉल हार्टेड ओके या शॉर्ट हार्टेड तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नैरो माइंडेड पीपल इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है शॉर्ट हार्टेड स्मॉल हार्टेड यू कैन यूज इट बट एक्चुअली इट इज अ नैरो माइंडेड पीपल प्रॉपर अगर हम बोलने चाहेंगे नहीं वी कांट से देम ग्रीडी लोभी नहीं है उनको लोभ नहीं है दे आर जस्ट डूइंग डिफरेंसिएशन ऑल द टाइम कि नहीं ये घर मेरा है मैं मेरे भाई को क्यों दू ओके या फिर ये चीज मैंने खरीदी है तो ये मेरा मेरी है या फिर दूसरों के साथ जब भी हमें कोई अपरिचित व्यक्ति अननोन पर्सन इज मीटिंग टू मी देन आई एम यूजिंग अ डिफरेंशिएटेड लैंग्वेज विद देम मतलब
कभी हम जल्दी से उनके साथ घुल मिल नहीं जाते, ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा गया है लघु चेतसम। ओके, शॉर्ट हार्टेड और नैरो माइंडेड पीपल हु ऑलवेज गणना मीन्स कंसीडर्ड, हु ऑलवेज कंसीडर और द कंसीडरेशन ऑफ दीज पीपल इज दिस इज माइन और इट बिलोंग्स टू अदर्स, ऐसा कंसीडरेशन होता है उनका। बट इनके अपोजिट बिहेवियर वाले एक टाइप दिया हुआ है पीपल का, उदार चरिता नाम। तो वो शॉर्ट हार्टेड थे, तो ये क्या है लार्ज हार्टेड। उदार मीन्स लार्ज एंड चरित्र मतलब उनका चरित्र स्वभाव अच्छा होता है। तो इसको हम एकदम बॉलीवुड के स्टाइल में कह सकते हैं दिलदार, दिल वाले। ओके, बड़े दिल वाले, एकदम जो बस रेडी टू हेल्प ऑलवेज, ऐसे जो लोग होते हैं हेल्पफुल पीपल, ब्रॉड माइंडेड पीपल, लार्ज हार्टेड पीपल, दिलदार, दिल वाले, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ट्रांसलेशन लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है आपको। यस, काइंड हार्टेड, जनरस, वेरी गुड। तो ऐसे जो लोग हैं हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, बहुत दानशूर है, दिलदार है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं पता है, उनका कंसिडरेशन बहुत ही अलग है, अपोजिट फ्रॉम दिस लघु चेतसाम। और आई थिंक हम सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम में दो वर्ड्स है, सुधा एंड कुटुंबकम, एवा इज जस्ट लिंकिंग वर्ड। सो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा मीन्स दिस होल अर्थ, ये पूरी जो पृथ्वी है, एवा मीन्स इटसेल्फ, कुटुंबकम मतलब फैमिली, द होल अर्थ इज माय फैमिली। जी एंटरटेनमेंट का एक एड भी आया था बीच में, अभी तो नहीं चल रहा है, मतलब ये पूरा 2020 में मैंने नहीं देखा, बट बिफोर 2020 जी एंटरटेनमेंट, जी के बहुत सारे चैनल्स है आपको पता है, तो उसका एक एड आता था वसुधैव कुटुंबकम, उसमें यही दिखाया था कि जी चैनल्स आर फेमस अमंग ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरन पीपल, फॉरन कंट्रीज। तो इसीलिए वो उन्होंने ये टैगलाइन यूज किया था वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, मतलब कोई भी हमें मिलता है तो हमें उसके साथ ह्यूमैनिटी के साथ बिहेव आना चाहिए स्पेशली, बिकॉज जो जो भी इंसान है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन है, ये हमें सोचना है, एंड वैसे ही हमें उसके साथ बिहेव करना चाहिए, एंड ट्रीट एवरीवन एज योर फैमिली। ओके, तो यहाँ से हमें दो चीज पोएट को बतानी है, आपको ये आंसर में ऐड करना है कि वसुधैव कुटुंबकम से एक तो इक्वालिटी एंड सेकेंड तो ह्यूमैनिटी, दोनों के बारे में पोएट हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड श्लोक, सो मीनिंग इज शॉर्ट हार्टेड पीपल और नैरो माइंडेड पीपल कंसीडर्ड दैट दिस इज माइन और इट बिलोंग्स टू अदर्स, बट लार्ज हार्टेड और ब्रॉड माइंडेड पीपल और जनरस पीपल ऑलवेज कंसीडर दैट द वसुधा द होल अर्थ इज लाइक अ फैमिली। क्लियर सेकेंड श्लोक? चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं एंड देन विल स्टॉप। तो सेकेंड श्लोक में आप देख सकते हो संधि का विग्रह यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा है संधिम कुरुत, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बिकॉज संधि ऑलरेडी दिया हुआ रहता है श्लोक में, तो ऐसे कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं आता है, ऑलवेज द क्वेश्चन विल बी संधि विग्रहम कुरुत। ओके, परोवेति इज द आंसर फॉर परह अधिकम वा अधिकम इति, वसुधा प्लस एव का कंबाइन वर्ड है वसुधैव। Now next question, ayam nijah ayam parah iti kesham ganana, who consider like this ayam nijah and ayam parah, do types ke log dekhe humne, usme se kaun se hai, very good Shruti, laghu chetasam, to bas as it is yahan pe likho, because laghu chetasam ye shashti vibhakti hi hai, to kuch modify nahi karna hai, kesham ye bhi shashti vibhakti mein hai, laghu chetasam bhi shashti mein hai। सो अयम निजः अयम परः इति लघु चेतसाम गणना। चलो नेक्स्ट टाइप नंबर टू जो है वो हमें आंसर में अभी लिखना है, केशाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति। सो केशाम के जगह पे अगेन वो सेम वर्ड कॉपी पेस्ट करो, बिकॉज इट इज इन षष्ठी ऑलरेडी। सो उदार चरितानाम कृते वसुधा, ये सरमान हर्षित श्रुति करेक्ट आंसर, उदार चरितानाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति। ओके, द नेक्स्ट आंसर इज अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्स इंग्लिश क्वेश्चन, बट थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्तंभ मेलनम,
सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स को हमें ज्वाइन करना है, तो देखते हैं आपको कितना मीनिंग समझा है. ओके, स्वीयम, स्वीयम के लिए हमने कौन सा वर्ड श्लोक में देखा था? स्वीयम मीन्स मेरा, माय, माइन. रिया प्लीज चेक, स्वीयम माइन, यस. श्रुति अरमान करेक्ट आंसर, निजह, स्वीयम निजह. ओके, देन नेक्स्ट चिंतनम, चिंतनम मीन्स कंसिडरेशन, कंसिडरेशन. वेरी गुड रिया, रिया वेरी गुड. चिंतनम गणना, चिंतनम गणना. ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट अन्यह, अन्यह, अन्यह परह, करेक्ट, अन्यह परह. देन नेक्स्ट पृथ्वी, अभी एक ही वर्ड बाकी एंड विच इज वेरी नोन वर्ड, वसुधा, वसुधा पृथ्वी. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैच द कॉलम फॉर समानार्थ. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक टू श्लोकास, नचोरहार्यम एंड वसुधैव कुटुंबकम. वन इज अबाउट विद्याधनम, वन इज अबाउट द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली. वेरी गुड थॉट. So we'll stop here and we'll meet again in the next lecture for remaining shlokas. I hope you know the homework. You have to write down samanartha and viruddhartha for both the shlokas, shlok number 1 and shlok number 2. We'll stop here. Thank you so much and punar milamaha. Bye everyone.